हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माई एसक्यूएल वर्क बेंच को लेकर के है। तो चलिए ये माई एसक्यूएल वर्क बेंच में एकदम प्रारंभिक यानी प्राइमरी स्टेज से देखते हैं कि इसको हम कैसे कैसे यूज करते हैं। आपने माई एसक्यूएल कमांड लाइन डॉक्यूमेंट पर तो देख लिया, लेकिन वर्क बेंच पे हम देखेंगे। तो यहाँ से मैं माई एसक्यूएल को ओपन करता हूँ, तो ये हमारा माई एसक्यूएल है और इसी को मैं ओपन करूंगा, क्योंकि माई एसक्यूएल कमांड लाइन डॉक्यूमेंट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। चल, हमें देखना नहीं है तो हमें वर्क बेंच को ओपन कर लेना है। क्लिक करते ही ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से। अब इसमें काम कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए, ये आपका जो है रूट है लोकल होस्ट, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो ये कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर सिनेरियो कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप टेबल वगैरह जो भी बनाना हो इसमें बना सकते हैं। तो मान लीजिए, अगर आपको जैसे मान लीजिए कि डेटाबेस देखना हो कि कौन कौन सा डेटाबेस आपने बना रखा है, तो यहाँ पर देखिए केवल 100 डेटाबेसेस, जैसे वहां पे लिखते थे बिल्कुल वैसे ही लिख करके यहाँ पर आपको मिल जाता है ये एक्सिक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और देखिए जहां पर ये ब्लिंकिंग कर्सर होगा ना, देखिए ये ब्लिंक कर रहा है ना, इसका मतलब कि सिर्फ यही लाइन एक्सिक्यूट होगी। फिलहाल तो एक ही लाइन लिखी हुई है, लेकिन जहां जिस लाइन पे ये ब्लिंक कर रहा होगा वही लाइन एक्सिक्यूट होगी, इसका मतलब ये है वही स्टेटमेंट आपका एक्सिक्यूट होगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहां से इसको चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये चला दिया हमने, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि आपके पास कौन कौन से डेटाबेसेस मौजूद हैं। ठीक है, तो डेमो नाम से है, एम्प्लॉयड नाम से है, बाकी सारा माई एसक्यूएल और तमाम इस तरह से जो भी डेटाबेस मौजूद है उसका नाम ये दिखा रहा है। अब किसी एक डेटाबेस को यूज करना हुआ तो यहाँ से यूज कमांड का यूज करेंगे। यूज लिखा हमने, और कौन सा डेटाबेस हमें यूज करना है, तो हमें यूज करना है डेमो नाम का डेटाबेस। तो ये डेमो दे दिया और यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि एक साथ सारे स्टेटमेंट्स ये चले, तो इन सबको सेलेक्ट करके क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये सारे ही एक साथ एक्सिक्यूट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन सिग्नल है ये इस बात का सिंबल है कि आपका सब कुछ सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया। अब इसमें टेबल बनाने की भी प्रक्रिया है, तो टेबल हम क्रिएट टेबल जैसे कमांड आप लिखते हैं ना, हमने आपको बताया है माई एसक्यूएल कमांड लाइन डॉक्यूमेंट पे लिख करके बनाने का, वैसे ही हम यहाँ पर भी बनाते हैं। और देखिए इसमें एक्सिक्यूट कराने का तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ क्वेरी पे गए तो देखिए लिखा हुआ है ऑल और सेलेक्शन, तो जितना आपने सेलेक्ट किया हो केवल वही एक्सिक्यूट होगा। यहाँ पे देखिए एक्सिक्यूट ऑल सेलेक्शन, यानी कि ये सेम चीज है। और यहाँ पे देखिए करेंट स्टेटमेंट, अगर आप चाहते हैं कि खाली ये वाला जो है एक्सिक्यूट हो तो आप यहां से भी जा सकते हैं करेंट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो सिर्फ एक ही आपका ये जो लिखा हुआ है 100 डेटाबेसेस केवल यही एक्सिक्यूट हुआ है। लेकिन अगर आप पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे और सो ऑल सिलेक्शन और टेक्स्ट, तो यहाँ पे ये सारा ही एक्सिक्यूट हो जाएगा। और ये देखिए ये डेटाबेस बनता हुआ आपको नजर भी आएगा इसी